आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महाभारत सीरियल के भीम प्रवीण कुमार का 74 साल की उम्र में निधन। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,597 नए मामले आए सामने, 1,188 लोगों की मौत। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली आज, राजनाथ सिंह गंगोली हाट में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 11 फरवरी को उत्तराखंड में फिर भर सकते हैं हुंकार, 9 को जारी होगा भाजपा का दृष्टि पत्र। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में राहत, शासन ने जारी की एसओपी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नैनीताल संसदीय क्षेत्र की 15 विधानसभा सीटों के लिए वर्चुअल रैली करेंगे। नैनीताल जिले के 6 और उधम सिंह नगर के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 59 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। हर जगह 1,000 कार्यकर्ता एवं जनता मौजूद रहेगी। वर्चुअल रैली 12:30 बजे से शुरू होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ के गंगोली हाट पहुंचेंगे। वो यहां भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा के समर्थन में 12 बजे बाद जीआईसी खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम आज वर्चुअल माध्यम से जनता के बीच जुड़ेंगे। उत्तराखंड की जनता से बीते दिन भी जुड़े थे वर्चुअल माध्यम से, उनके साथ मुख्यमंत्री धामी भी जुड़े थे और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ने वाले हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे और चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। नैनीताल जिले के 6 और उधम सिंह नगर के 9 विधानसभा क्षेत्रों के 59 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। हर जगह 1,000 कार्यकर्ता जनता मौजूद रहेगी और वर्चुअल रैली 12:30 बजे से शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ के गंगोली हाट पहुंचेंगे। वो यहां भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा के समर्थन में 12 बजे के बाद जीआईसी खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रीनगर में जनसंपर्क कर लोगों से डॉक्टर धन सिंह रावत के लिए वोट मांगे और साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत के 2 टुकड़े करने का काम किया है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। कांग्रेस को देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते? अरे अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, मोदी जी संवार रहे हैं, पुष्कर धामी विकास में लगे हुए हैं। हमारा मूल मंत्र है विकास, विकास और विकास, जनता का कल्याण। लेकिन कांग्रेस इस तरह के मुद्दे उठा रही है। दरअसल कांग्रेस में तो झगड़ा ही झगड़ा है। मैं नहीं कहता, वो उनके नेता कहते हैं कि कांग्रेस में मगरमच्छ बहुत हो गए हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। और उनके 4 धाम तो मैंने बताए। पावत से है, जहां भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां जनता को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों का प्रदेश है और प्रदेश के ज्यादातर परिवारों से कोई ना कोई सदस्य सेना में जरूर है। आगे जनरल वीके सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता में उत्साह देखकर लग रहा है कि जनता एक बार फिर से राज्य में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रदेश के अंदर इन 5 सालों में और देश के अंदर पिछले 7 से ज्यादा साल के अंदर आपको कुछ फर्क दिखाई दिया या नहीं? भैया इस आवाज से तो नहीं दिखाई दिया। दिखाई दिया कि नहीं? मैं कह रहा हूं ना, मेरे को कान से कम सुनाई देने लगा आज। दिखाई दिया कि नहीं?
अच्छा फर्क है या खराब फर्क है? अच्छा फर्क है। आपके यहां इन 5 सालों में चंपावत के नक्शे में कुछ बदलाव आया है? प्रदेश के अंदर इन 5 सालों में फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नरेंद्र नगर से कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत अपने समर्थकों के साथ कई गांवों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता का भी साथ मांगा, जिसके बाद पट्टी के केंद्रीय स्थल देवलधार में जनसभा को संबोधित करते हुए ओम गोपाल रावत भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। देखिए, जिस तरह से जो है भाजपा ने जो है पिछले 5 सालों में जो है इस पूरे प्रदेश को जो है निकम्मा बना दिया है, पूरे प्रदेश में जो है रोजगार के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, जिस तरह से ये लोग जो है आज की डेट में धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग जो है आज की डेट में जो है रोजगार की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग जो है आज की बात में डेट में जो है स्वास्थ्य सेवाएँ हो, चाहे जो है शिक्षार्थ हो, सेवार्थ हो, सारी बातें जो है इनकी झूठी है, निकम्मी है। और ये लोग जो है सिर्फ 5 सालों में जो है अपना चेहरा दिखाते हैं और 5 साल बाद जो है जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं ये लोग जो है अपने अपने घरों में सब जो है चले जाते हैं। अपने लोग जो है अपनों का ही विकास करते हैं, बाकी तमाम जनता को जो है ऐसे ही राहों पर छोड़ के चले जाते हैं। जिस तरह से जो है ये 5 सालों में जो है जनता के बीच में आते हैं, प्रतिनिधि बन के आते हैं और 5 साल बाद जो है ये जो है फिर से दोबारा पुनः उसी तरह से आते हैं। तो इस बार जो है जो जनता ने जो है अपना मन बनाया है और तहे दिल से जो है जनता जो है इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की ओर जा रही है। पूरा जनता का हुजूम जो है इतने कम समय पे जो है सड़कों पे उतर आया है। आज चुनाव यहाँ नरेंद्र नगर में मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस नहीं लड़ रही, बल्कि जनता स्वयं जो है परिवर्तन के लिए लड़ रही है, जनता खुद बदलाव के लिए जो है लड़ रही है। वो आप लोग देख रहे हैं जगह जगह जो है पूरा यूथ का, महिलाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे बुजुर्गों का, सब लोग इस टाइम जो है बदलाव चाह रहे हैं। इनकी जो ढींगा मुस्ती है, यहाँ के जो विधायक हैं उनकी तो है ही है, लेकिन उनके जो चमचे हैं, जो उनके वो ठेकेदार हैं, उनकी ढींगा मस्ती, उनका जो घमंड, जो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, उनको जो है घमंड को तोड़ने के लिए आज पूरा यूथ सड़कों पे उतर चुका है, हमारी माता बहनें सड़कों पे उतर गए हैं, हमारे बुजुर्ग आज जो है बदलाव के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी मैदान में उतरी उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने ऋषिकेश विधानसभा सीट पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वो इस दौरान जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई ने अपने कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करने के बाद दावा किया कि उनके घोषणा पत्र में जितनी भी चीजों को शामिल किया गया है उन सभी पर काम किया जाएगा। बहुत सारी चीजें खास है और बातें तो बहुत सारी है, पर 5 सॉलिड मुद्दे जो हमने इस पर रखे हैं, जो हम करके ही बताएंगे। जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आए, वो एनजीटी के आए, वो फॉरेस्ट के आए, वो रिजर्व फॉरेस्ट के आए, वो एक अलग चीज़ है। इसमें हमने 5 बातें रखी थी। सबसे पहली बात, हमने इस पर समाधान एम्स की बात रखी थी, जो आज त्रुटियां एम्स के अंदर हो रही हैं, वो रोजगार को लेकर हो, उपचार को लेकर हो। दूसरी बात, हमने जल मार्ग की इसमें बात करी है। तीसरी बात, हमने उच्च शिक्षा और ग्रामीण में कॉलेज खोलने की बात करी है। और जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो कॉलेज है, उस पर योगा के सब्जेक्ट को स्वीकृत करने की बात हमने करी है। चौथा है हमारा मालिकाना हक। मीराबेन द्वारा बसाए गए अमितग्राम, गुजर प्लॉट, गुमानीवाला, शिवाजी नगर, 20 बीघा मीरा नगर, ये जो पूरा क्षेत्र है मालवीय नगर, गीता नगर, इसको भूमिधरी अधिकार दिलाने का। और पांचवा है IDPL कन्वेंशन सेंटर की जगह मिनी सिटकुल की स्थापना करवाना। ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने डोर टू डोर अभियान चलाया। आपको बता दें कि विधानसभा ज्वालापुर के गांव इब्राहिमपुर मसही में सुरेश राठौर ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि विधानसभा ज्वालापुर विधानसभा और भाजपा का 60 पार का नारा अब की बार विधानसभा ज्वालापुर में पूरा होगा। भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर का कहना है कि प्रत्याशी सुरेश राठौर ने कहा कि जो मेरे 3 प्रोजेक्ट अधूरे हैं वो अब की बार पूरे हो जाएंगे। मसाई कला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है और वो रामलला के पक्ष में खड़ी है, कमल के फूल में के पक्ष में खड़ी है। और यहाँ का दलित, यहाँ का सैनी, जो भी समाज के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, 3 प्रोजेक्ट अधूरे तो आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं समझता हूँ ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में
हम चाहते हैं धनौरी से लेकर घाट क्षेत्र को होते हुए इकबालपुर में नहर का निर्माण होना चाहिए, वो अधूरा है, उसकी DPR बन गई है, उसकी कार्य योजना पूरी। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है। आज सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 624 नए मामले मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इधर 4062 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब राज्य में कोरोना के 12239 सक्रिय मामले हैं। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की 12239 संख्या है। इसमें देहरादून में सबसे अधिक 6152 मामले सामने आए हैं। पौड़ी में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विकास खंड एकेश्वर और पोखड़ा विकास खंड के अंतर्गत पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलदार को निर्देश दिया कि समस्त बूथों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने रैंप, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित BLO से मतदाताओं की जानकारी भी ली और कहा कि मतदान करवाना सुनिश्चित करें। खबर लालकुआ से है, जहां पर जनता कैबिनेट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने प्रदेश में बढ़ते नशे और अवैध कारोबार पर रोक लगाए जाने की मांग की है और भाजपा प्रत्याशी मोहन बिष्ट पर निशाना साधा। इस दौरान भावना पांडे ने कहा कि आज का युवा वर्ग पूरी तरह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ है। लालकुआ विधानसभा के लोगों से कि ये BJP के लोग ऐसे षड्यंत्रकारी है, अभी थोड़े दिन बाद हिंदू मुसलमान करेंगे, अभी पहले ठक्कर साहब को बुलाया, अभी लड्डा साहब आने वाले हैं अड्डा जमाने के लिए, और इसी तरह जो है अभी ये बड़े बड़े नेता बुलाएंगे यहाँ पर, फिर योगी जी भी आएंगे, मोदी जी भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हरीश रावत को हराने के लिए। तो हम युवाओं को समझना होगा, न योगी कुछ करेगा यहाँ पर, न मोदी कुछ करेगा यहाँ पर। लक्सर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने लक्सर नगर में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान उन्होंने घर घर पहुंचकर मतदाताओं को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया और कांग्रेस के हाथ के पंजे पर वोट करने की अपील की। डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने कहा कि कांग्रेस को लेकर जनता में बहुत उत्साह है। सन 2022 के तहत प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने जनता को झूठ बोलकर ठगा है, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव 2022 में भुगतना पड़ेगा। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, जो आज धरातल पर कहीं नजर नहीं आते हैं। अधिक उत्साह है। मिशन 2022 के तहत यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है प्रदेश में, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो क्षेत्र की समस्याओं से पहले से ही अवगत हैं, और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है और कमीशन खोरी है और जो खनन माफिया है, इन सब के खिलाफ जनता एकजुट हो गई है। आप यहाँ सड़कों की हालत देख लीजिए, चिकित्सा की हालत देख लीजिए, महिला सुरक्षा की हालत देख लीजिए, सब जो है आज जनता पुराने जो विधायक और जनप्रतिनिधि हैं उनसे छुटकारा चाहना चाहती है। और 14 तारीख को आप ये देखिए कि पंजे के निशान पे मोहर लगाकर वो बदलाव करेगी। और तो कांग्रेस प्रत्याशी ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया, साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए, वोट की अपील की और साथ ही साथ लक्सर में बदलाव की बात भी कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बड़े दावे और वादे किए गए थे, जो कि धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस की सरकार आएगी। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने डोर टू डोर जनसंपर्क करके जनता से वोट की अपील की है। साथ ही डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने कहा कि कांग्रेस को लेकर जनता में बहुत उत्साह है। साल 2022 के तहत प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने जनता को झूठ बोलकर ठगा है, जिसका खामियाजा उन्हें 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV
सच साहस सरो